एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर आगे का एजेंडा। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के संभाजीनगर हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। संभाजीनगर में दो और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक पुलिस 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। संभाजीनगर में रामनवमी पर उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। पुलिस के कई वाहन आग के हवाले यहां पर उपद्रवियों ने कर दिए थे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अब तक कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दो लोगों को इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभाजीनगर में दो और नई गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल मिला के 10 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। संभाजीनगर में रामनवमी पर जब जुलूस निकल रहा था, जब शोभा यात्रा निकल रही थी, तब यह हिंसा भड़की और उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी। संभाजीनगर में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा था, पुलिस उसके बाद एक्शन मोड में आई और अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आगजनी की आपको हम दिखा रही है। रामनवमी के दिन की ये तस्वीरें संभाजीनगर, जो कि पहले औरंगाबाद के नाम से आप जाना करते थे, संभाजीनगर महाराष्ट्र, जहां से तस्वीरें आई आगजनी की और कितना नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं संभाजीनगर से। सूरज, अब 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुल मिलाकर दो नई गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस एक्शन मोड में है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एसआईटी बना दी गई है और इसी एसआईटी के माध्यम से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन आपको दिखा दें कि अभी भी इलाके का जो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे कैसे पुलिस का बंदोबस्त अब भी उसी तरह से लगा के रखा है जैसा कि हमने हिंसा के बाद देखा था। आप देखिए कि यहाँ पे राइड कंट्रोल व्हीकल खड़ी है, राइड कंट्रोल यूनिट के लोग खड़े हैं यहाँ पर, ताकि इस तरह की घटना दोबारा से ना हो जाए। कल सुबह जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग की खबर सामने आई थी, उसके बाद आज प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, हर जगह पर पुलिस का बंदोबस्त है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर आरोप यह है कि ये वो दो शख्स हैं जिन्होंने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई थी, साथ ही स्टोन पेल्टिंग की थी इस इलाके में। तो ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दो और लोग हिरासत में है पुलिस के, जिनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिये इस पूरे मामले में कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। आज दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी। जी एक सूरज, आप मामले पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।